आज कमोडिटी बाजार में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन NCDEX पर ग्वार के दिसंबर वायदा में जोरदार गिरावट देखने को मिल रही है। ग्वार गम का दिसंबर वायदा 10,500 के करीब कारोबार करता दिखाई दिया है, वहीं ग्वार सीड का दिसंबर वायदा 5,900 के करीब। ग्वार गम में 4% का लोअर सर्किट और ग्वार सीड में लगभग 3% का लोअर सर्किट लगता नजर आया है। ग्वार के बाजार में मंदी का दौर देखने को मिल रहा है। कुछ दिनों से ग्वार का वायदा बाजार मंदी के साथ कारोबार करता नजर आ रहा है। ग्वार के फंडामेंटल्स की तरफ नजर डालें तो ग्वार के फंडामेंटल्स मजबूत ही हैं। ग्वार की फसल इस बार कमजोर दिखाई पड़ रही है। पिछले साल ग्वार का लगभग 55 लाख बोरी के आसपास का उत्पादन देखा गया था, वहीं इस बार लगभग 35 लाख बोरी के आसपास का उत्पादन का अनुमान जताया जा रहा है। इस बार ग्वार का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले काफी कम रहने वाला है, जो डिमांड और सप्लाई के अंतर को काफी बढ़ा देगा। जानकारों के अनुसार अगर ग्वार के डिमांड और सप्लाई के अंतर को पूरा करना है तो लगभग 80 लाख बोरी के आसपास ग्वार होना चाहिए। ग्वार के ट्रेडर्स और मार्केट एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ग्वार की तेजी मंदी इतनी फसल पर निर्भर नहीं करती है जितनी इसकी डिमांड और सप्लाई पर करती है। ग्वार के मौजूदा ट्रेंड को देखा जाए तो ग्वार की तेजी मंदी अब डिमांड पर शिफ्ट हुई है, ना कि इसकी फसल पर। ग्वार के एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिस दिन बाजार में निर्यातक माल लेने आते हैं कीमतें बढ़ जाती हैं, जिस दिन नहीं आते बाजार खामोश रहता है और कीमतों में गिरावट रहती है। और यही वजह है कि हमने वायदा में ग्वार की कीमतों में कभी 6% के ऊपरी सर्किट तो कभी 6% के निचले सर्किट लगते देखे हैं। हालांकि ग्वार के निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि जो किसान है वो ग्वार को अच्छी तेजी में भी बेचने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें इसके और ज़्यादा बढ़िया दाम चाहिए। ग्वार एक ऐसी कमोडिटी है जो कि सालों तक खराब नहीं होती है और स्टॉक की जा सकती है। अभी कुछ मार्केट एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि ग्वार के निर्यात में थोड़ी और बढ़ोतरी होने से और पाउडर प्लांटों द्वारा खरीदी होने से ग्वार की कीमतों को पंख लग सकते हैं। वहीं बाजार के जानकार मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा के मुताबिक ग्वार की कीमतें वायदा में अभी 2 हफ्तों तक ऐसे ही गिरावट के साथ कारोबार करती नजर आ सकती हैं। ग्वार सीड की कीमतों में जिस लेवल से तेजी बननी शुरू हुई थी वही लेवल्स नीचे में एक बार फिर से देखे जा सकते हैं। ग्वार सीड में 5,500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बात करें अगर ग्वार गम की तो ग्वार गम का वायदा बाजार 11,600 से 11,700 तक ऊपर में जाता नजर आया था, लेकिन वह वहां पर सस्टेन नहीं हो पाया। हालांकि अभी ग्वार गम का वायदा बाजार अभी भी अपने सपोर्ट लेवल्स पर बना हुआ है। अमित सजेजा के मुताबिक ग्वार गम में 9,300 से 9,400 के इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं। जब तक कीमतें इसके ऊपर बनी हुई हैं ज़्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं की जा सकती। ग्वार का ट्रेंड तब तक पॉजिटिव ही बना रहेगा। हाल फिलहाल में ग्वार नीचे में 10,200 से 10,250 तक जा सकता है। अमित सजेजा के मुताबिक ग्वार में अभी बिकवाली करके चलना सही रहेगा और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के चलते भी ग्वार में मंदी देखने को मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।